आज को कबूतर पकड़ते हुए देखा यानी। ओह माय गॉड। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी को मेरा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गरु पांडे पर। दोस्तों चलिए एक नए दिन की नहीं एक नई शाम की शुरुआत हो रही है, यानी कि हम निकले हुए थे घूमने। टाइम हुआ था 5 बजे, हम घर से निकले थे तो वही समथिंग 5:30 या 6:45 बजे के करीब हमें एक बाज को कबूतर पकड़ते हुए देखा। यानी कि हम जा रहे थे, हम क्रॉस कर रहे थे रास्ता, तो वहाँ पे एक बाज ने कबूतर पर अटैक कर दिया था। तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी, यानी कि मैं अपने नज़रों के सामने किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। यार दोस्तों मैं आप लोग को बताऊँ कि यार वो बाज ने उस पर अटैक किया हुआ था, बट वो फड़फड़ा रहा था, यानी कि वो पूरी तरीके से डेड नहीं हुआ था। तो मैंने उसको अचानक से भगाया तो वो वहीं पर सेफ रह गया। यानी कि आप लोग देख सकते हैं, आपको भाई ने पीछे से दिखाया होगा कि मतलब ये हल्का सा इसको ये इंजर्ड है, यानी कि यहाँ पे इसके इंजर्ड है और पंख के नीचे थोड़े इंजर्ड हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना एक नाइट हम इसको यहीं पे स्टे करा देंगे, थोड़ा इस पे घाव पे यानी हल्दी या वो बैंडेज जो भी होता है अपने घर के वो जो भी दवाइयाँ होती है वो लगा देंगे और कल मॉर्निंग में इसको फिर से उड़ा देंगे। तो यार दोस्तों काफ़ी गलत लगता है यार, मुझे तो बहुत गंदा लगता है अपने आँखों के सामने किसी को ऐसे मौत देते हुए। भाई तो चलते रहा था, बट भाई ने मुझे बताया कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। अदरवाइज मैंने सोचा कि कबूतर भी आपस में लड़ते हैं, आप लोगों ने भी कभी नोटिस किया होगा कि दो कबूतर ऐसे ही लड़ा करते हैं कभी कभी। बट जैसे ही मेरी नज़र बाज पे पड़ी तो वो ये फड़फड़ा रहा था और वो भी, तो मैंने एकदम से उसको छोड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये है बाज, नहीं सॉरी ये है कबूतर, और इंजर्ड जहाँ पे हुआ है ये मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। यार काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखा है। यहाँ पे भाई ने बॉक्स खोल दिया, आप लोग को मैं इसका शो करवाऊँगा। एक मिनट दोस्तों, पहले मैं फ्लैश लाइट ऑन कर लूँ अपनी। यार आप देख सकते हैं हाथ का ना, ये देख सकते हैं दोस्तों इतने बड़ा यहाँ पे इंजर्ड हो रखा है, मतलब काफ़ी ब्लड निकला है। दिस इज नॉट मेन बट हियर इज एन अदर, या अंदर से है एक पंख के अंदर हो रखा है दोस्तों। तो अब मम्मी ने पकड़ लिया है और इसके पंख के अंदर दोस्तों आप लोग को दिखाओ, ये देख सकते हैं दोस्तों कितना इंजर्ड यहाँ पे कबूतर हुआ है। इसी वजह से हम इसको लेके आए, यानी कि हम हल्दी ले जाएंगे, वही मैं बोल रहा हूँ, हल्दी एंड फिर बैंडेज। हाँ फिर सुबह कल इस पे बैंडेज लगा लेंगे, सुबह लगाएंगे ना, अभी हल्दी लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा घाव उस बाज ने इसको दे दिया था। तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कि मैंने सही किया या गलत किया, और फटाफट से हल्दी लगाओ यार, हल्दी लगाओ यार, फटाफट कॉटन लेके अंदर से लेके आ गई ओह माय गॉड, काफी वेरी ठीक हो जाएगा, घाव है यार, अच्छा हो जाएगा। तो मम्मी ने यहाँ पे हल्दी तो लगा दी घाव पे, आप लोग देख सकते हैं दोनों जो जो अभी मतलब घर पे हमारी अवेलेबल थी हल्दी। तो हल्दी वैसे घाव पे पहले ही लगाते हैं, रुई डाल दे ऐसे पंखे के नीचे। एक मिनट है, वेट। भाई ने अपने हाथों पे इसको ऐसे पकड़ा हुआ है एंड यार आप लोग देख सकते कितने बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखा है यार कबूतर। पॉटी मेबी ना, इसने यहाँ अपने चावल भरे हैं पता है। ओहो फाड़ा नहीं है, पंखे निकाले वहाँ वहाँ भी तो कट है, है? तभी मैं कह रही हूँ चावल भरते हैं शायद, चावल तब बाहर तो नहीं आ गए, ये तभी तो बाहर आ रहे चावल उसके। ओहो यहाँ इतना बड़ा घाव कर दिया उसने, फाड़ दिया, खा दिया आधा, ये हम नहीं बचेगा, ये सब आधा खत्म कर दिया ना, वो खाने वाला फसने, अब वहाँ खाना खाएगा हम नहीं कर रहे, पानी तो पिया उसने, पानी पिया तो तभी तो मर जाएगा, नहीं मरेगा। मम्मी हल्दी लगा वहाँ पे, खा दिया है उसको, अरे हल्दी तो लगा कॉटन से, बंद हो जाएगा अपनी तरफ से, तो हम पूरी कोशिश करेंगे चले जाएंगे। हाँ तो पहले अभी हल्दी लगा, लंच हल्दी लगा, ये रुई पहले यहाँ भर दो, इसके यहाँ तो हल्दी है ना, बाहर से ये रुई निकाल के यहाँ भर दो पहले, कॉटन वाली आती है, हाँ यार फिर लाऊंगी उसको, तो ये वो घुस गया अंदर, ये रुई इतना बड़ा घाव, ओह माय गॉड आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी रुई इसके यहाँ पे, हमने तो ये नोटिस ही नहीं किया था यार, चावल लग रहे थे मैंने तुमसे कहा सब, ये खत्म कर दिया उसका, कोई बात नहीं चल ठीक हो जाएगा, और अब बॉक्स हमने बंद कर देते हैं क्योंकि यार जिम्मी भी है। दोस्तों हमने वहाँ पे ये घाव तो देखा नहीं था, जो मतलब उसके गले से जहाँ पे वो खाना रखते हैं ना सुबह से शाम तक, वो एरिया भी उसने वहाँ पे काफी डैमेज कर रखा है यार, हमने वहाँ पे तो देखा नहीं, अभी देख के काफी अजीब सा लग रहा है क्योंकि उसने चावल भरे थे यार। दोस्तों आप लोग को पता है कि हम पेट में जो है खाना जमा करते हैं ना,
वैसे ही वो लोग अपने गले पे यहाँ पे जमा कर देते हैं, जो कि रात का पूरा अपना गुजारा, यानी कि कल तक कभी वो आराम से पचे वाला। बट यार देख के काफ़ी अजीब सा फील हो गया यार दोस्तों, मैं आप लोग को भी बता नहीं सकता कि मैं कितने बुरी तरीके से यहाँ पे उसको देख के, आप लोगों ने भी देखा होगा काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर दिया था बाज ने। बट यार बच गया है वो, मुझे लगा कि बच ही जाएगा, यानी कि अब देखो यार क्या होता है। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हुई है, तो अभी हमने उसको बॉक्स में रख दिया, यानी कि उस पर प्रॉपर तरीके से होल हैं चारों तरफ से, ऑक्सीजन उस पर प्रॉपर जाएगी। तो यार देखते हैं सुबह क्या होता है, तो मिलते हैं आप लोग को कल मॉर्निंग पे यार, क्योंकि अभी पूजा वगैरह भी करनी है और घाव से हमने हल्दी लगा दी है अभी नाइट पे। फिर से हम एक बार इसको देखेंगे कि मतलब ये कैसा हो रखा है, सही है या कैसा है। हो भगवान से आप लोग सब प्रे करना कि जल्दी से जल्दी सही हो और अपने परिवार से मिले। यानी कि मुझे सबसे बुरा इसलिए लगा था ना आज वहाँ से इसको घर लेके आने में, कि मतलब एक परिवार से दूर जाने का एहसास ना वो हर किसी को होता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। तो आज इसकी फैमिली वाले आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ही फील कर रहे होंगे कि हमारी फैमिली से आज जाने ये कितों का भाई था या कितों का पापा था, कुछ भी था, मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी हमने इसको बंद कर दिया है फिलहाल, तो जैसी मॉर्निंग पे जो भी अपडेट होगा आप लोग को जरूर देंगे। और तब तक के लिए आप लोग फिर मिलते हैं मॉर्निंग पे।